लोग को भी लग रहा था कि इतना मंथन कर रहे हैं तो कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे, लेकिन फिर वही जो गलती बार बार करते आए फिर वही गलती किए हैं। मुझे लगता है कि अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को किसी यादव को लड़ाना था तो आजमगढ़ में यादवों की कमी नहीं है, पूर्वांचल में यादवों की कमी नहीं है, यहीं से किसी प्रत्याशी को देना चाहिए था। पर वही है कि उनको अपने परिवार के बाहर कोई यादव दिखता नहीं है, दिक्कत यही है। उनको लगता है कि यादव सिर्फ उनके घर में पैदा हुए हैं, बाकी कहीं कोई है ही नहीं, कोई इस योग्य भी नहीं समझते किसी को। तो जनता भी ये बात जान चुकी है, समझ चुकी है, और 22 में भी आजमगढ़ की जनता ने उनको जवाब दिया था कि जब हर बार आपको अपने घर से ही प्रत्याशी भेजना है तो बस करिए, और जनता जो है मेरे साथ आ गई थी और हम लोग 22 में जीते थे। और अब जो है 24 में और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में इतना काम किया है जितना कभी नहीं हुआ था। तो अब हमारे लिए ये बहुत ही लड़ाई बहुत आसान है और इसको हम लोग बहुत मजबूती से लड़के और खूब मजबूती से जीत करके, जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा मुझसे कि जीत के आना, तो हम लोग जीत के जाएंगे। क्या लगता है अखिलेश यादव आपकी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए, जैसा आपने कहा था जहां से वो लड़ेंगे वहीं से मांगूंगा टिकट, तो डर गए क्या? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि मुझे लगता है कि ये उनका डिसीजन ठीक है कि वो नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर लड़ते भी तो फिर उनको छोड़ के भागना पड़ता जब विधानसभा का चुनाव आता, तो वो ज़्यादा खराब होता।